Good morning everyone. I am your Hindi teacher from Happy Camel School. Class, आज मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर का लेसन थर्ड शब्द विचार करवाने जा रही हूँ. शब्द विचार, शब्द क्या होते हैं? This is our first question. Comes in our mind कि क्या है शब्द? शब्द वो होते हैं जिनका एक सार्थक अर्थ होता है, ठीक है? यानी कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है. वर्ण क्या होते हैं? ए, आ, ई, उ, के, खे, गे, ये सभी कै से लेकर के गे तक, ए से लेकर के, ये तो स्वर होते हैं, ए वाले तो स्वर होते हैं, ठीक है? ए से लेकर के ऋ ऋषि तक ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं. लेकिन जो कैसे लेकर ज्ञातक होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं. देखिए, स्वर का प्रयोग कहाँ पर होता है? स्वर का प्रयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है. और ये जो आप देख रहे हैं, मैं, कै, ले, खे, गे, ये क्या है? ये व्यंजन है जिन पर इन मात्राओं, इन यानी कि इन स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है. देखिए, जैसे आहा, ये देखिए, जैसे ए, थे, और जो रे है ये री, अर्थ, तो ये मात्रा कहाँ से आई? ये स्वर से ही मात्रा बनी है. जैसे अब आप देख सकते हैं जय, जय पे छोटी की मात्रा, तो ये मात्रा कैसे बनी? ये स्वर का ई, जिसे आप ई से इमली बोलते हैं, है ना? बड़ी ई से ईक, ऐसे बोलते हैं आप सभी. तो ये स्वर ही मात्राएं बनी हैं. और इन मात्राओं के यानी कि स्वरों और व्यंजनों के मिलने से शब्दों का निर्माण हुआ. शब्द यानी कि जो सार्थक अर्थ देते हों वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं शब्दों के भेद. आप उससे चलने से पहले एक चीज़ देखिए कि हम इन शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं. शब्दों का प्रयोग हम अपने मन की बातों को बताने के लिए करते हैं. क्यों? क्योंकि जब हमें अपने मन की बात किसी को कहनी होती है तो कोई तो तरीका हम अपनाते हैं. जैसे अगर मैंने कहा मुझे भूख लगी है, उस समय क्या हुआ कि मुझे भूख लगी, मुझे पेट खाली लगा. तो अब अगर मुझे किसी से कुछ कहना है कि मुझे खाना दे दो क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो रीज़न हुआ ना. और जो मैंने कहा उसका अर्थ ये है कि मुझे खाना चाहिए खाने के लिए, ठीक है? अब जैसे खाना खाओ, अगर एक शब्द बोला जाए तो ये पूर्ण हो गया. लेकिन अगर खाली कहा जाए खाना, और अगर मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा भूख लगी, तो क्या मतलब निकालो उससे? भूख लगी, ठीक है, लगी है भूख. लेकिन अगर मैंने कहा मुझे खाना दो, भूख लगी है, तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है. भूख लगी है, खाना दे दो, तभी वाक्य पूर्ण हो जाएगा. तो इस तरीके से शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्य के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं. अब आप देखेंगे शब्दों के भेद. शब्दों के भेद भी हैं अर्थ, प्रयोग, रचना, उत्पत्ति, ये शब्द का हिस्सा है. अब अर्थ, अर्थ के आधार पर भी शब्द दो तरह के हैं, सार्थक और निरर्थक. अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद. अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं. पहला, सार्थक शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं. जैसे पुत्र, पिता, चंद्रमा, आकाश आदि. निरर्थक शब्द यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक कहलाते हैं. निरर्थक शब्द कहला, जैसे कि चू, देखा ना कई बार जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो चू की आवाज़ आती है, या चर चर की आवाज़ आती है, खट, वाणी, वड़ आदि. तो ये क्या होता है कि ये शब्द जो होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता. और जैसे हम कहते हैं कि बारिश की बूंदें टप टप गिर रही हैं, या पानी टपक रहा है, टप टप हो रहा है, तो वो क्या है? टप टप, क्या टप टप? लेकिन अगर हमने कहा कि पानी टप टप करके गिर रहा है, तो टप टप करके गिरना क्या हो गया? उसने एक वाक्य को सार्थक अर्थ दे दिया कि पानी इस तरीके से आवाज़ करते हुए गिर रहा है.
यानी कि इन सार्थक शब्दों से ही भाषा बनती है, परंतु ये भी कई प्रकार के अर्थ वाले होते हैं और कई बार यह आवश्यक नहीं है कि आप जो कुछ भी कह रहे हो सुनने वाला भी उसी अर्थ में उसे समझ जाए। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्न भेद दिए गए हैं। अब आप देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद भी हैं, सार्थक और निरर्थक। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को अपनी बात कहते हैं तो वो हमारी बात को उस तरीके से नहीं समझ पाता जैसा हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि शब्दों के भी ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है और जिनका अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक कहलाते हैं। चलिए, उसके बाद है सार्थक शब्द। अब देखिए, सार्थक शब्द के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सार्थक शब्द के भेद हैं। एकार्थी शब्द यानी कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो वो कहलाते हैं एकार्थी शब्द, जैसे कि मंगलवार, आलू, बैंगन, ठीक है, मुंबई आदि। तो ये शब्द अपने आप में ऐसे ही कहे जाते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अलग अर्थ नहीं निकलता। अनेकार्थी शब्द यानी कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सूत, नाक। सूत का अर्थ होता है धागा, जो कॉटन वाला होता है, सूती धागा सूत कहलाता है। सारथी का अर्थ होता है बच्चों वो जो रथ को हाँकता है, जिसमें घोड़ा होता है, वो सारथी कहलाता है। नाक का अर्थ होता है हाथी या सर। तो देखा आपने, यानी कि एक शब्द के ही अधिक अर्थ होते हैं एक से ज़्यादा। अब बात की जाती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, यानी कि हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का अर्थ जो है समान होता है, वे अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं, तो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए आँख, ठीक है, आप उसे नेत्र भी कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, ये किसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि वो शरीर का वो अंग जिसकी मदद से हम देखते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ आसमान, आकाश, गगन, नभ, अंबर, तो मैंने किस चीज़ की ओर इशारा किया है, उस चीज़ का इशारा किया जो हमारे सिर के ऊपर है, जिसमें हम चांद तारे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्दों की। ये क्या होते हैं, विलोम शब्द यानी कि परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि जन्म मरण हो गया, उत्थान पतन, गुण अवगुण, मोटा पतला, ठीक है, काला गोरा, ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, यानी कि प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के आठ भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, देखिए, यानी कि संज्ञा वो होती है जिसमें आप क्या करते हैं बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे कि वह, तुम, क्रिया, है ना, वो शब्द जो किसी काम के होने को बताते हैं। विशेषण, वो शब्द जो किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेष, जो कि क्रिया की विशेषता बताएं, जैसे कि धीरे धीरे चलो। अब चलना इसमें क्या है, धीरे धीरे चलना, चलना क्या है बच्चों, इसमें क्रिया हो गई,
और धीरे धीरे चलना इसमें क्या हुआ, विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, जहाँ पर संबंध आपस में बताया जाता है, ठीक है क्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिक्स क्लास, थैंक यू।